चलिए तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। कारण क्या है? कारण ये है कि थोड़े से 2 माह रह गए थे, आपके पोस्ट तक मैंने कंप्लीट करवा दिया था। अब आपके माघ और फाल्गुन यानी माह और फागण 2 माह और रह गए थे। क्लास बीच में रुक गई थी इसलिए अपलोड नहीं कर पाए, फिर समय नहीं मिला इसलिए अपलोड नहीं कर पाए। आज समय मिल गया है तो 2 माह तो बचे थे, वो आज अपलोड कर देते हैं तो आपके क्या हो जाएंगे, मेले और त्यौहार कंप्लीट हो जाएंगे। ढंग से पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, सारे के सारे त्यौहार अच्छे से याद करवाने की मैंने पूरी पूरी कोशिश की है। एक बार आप पूरी कोशिश करना, एक बार समझ में नहीं आए तो क्लास को 2 बार देख लेना। मैंने एक पार्ट पहले डाल दिया था, फिर 2 पार्ट डाल दिए, तीसरा पार्ट और डाल रहा हूँ। इसमें क्या हो जाएंगे, आपके सारे के सारे त्यौहार कंप्लीट हो जाएंगे। पौष माह तक पढ़ लिया था, लास्ट में अपन पौष माह के शुक्ल सप्तमी तक पढ़ लिया था, जिसमें गुरु नानक जयंती को पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था, ठीक है, 10वें गुरु को पढ़ा था, ठीक से पढ़ा था, ढंग से पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कौन सा माह, लास्ट के 2 माह बचे थे कौन कौन से, माघ और फाल्गुन। तो सबसे पहले माघ को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे। तो क्लास में एंड तक बने रहना और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करना, ठीक है? तो क्लास को करते हैं शुरू बिना किसी देरी के, बिना किसी मोटिवेशन के। मोटिवेशन यही है, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, खेलते रहो, खिलाते रहो, बस यही है, ठीक है? क्या पढ़ेंगे, चलिए आज हम पढ़ेंगे माघ माह है, ठीक है? माघ माह है, ठीक है? चलिए, माघ कृष्ण चतुर्थ, चतुर्थ, ठीक है? चतुर्थी, माघ कृष्ण चतुर्थी को पढ़ेंगे, चतुर्थी को, माघ कृष्ण चतुर्थी को हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसी दिन क्या मनाते हैं, तिलकुटा चौथ मनाते हैं, ठीक है? क्या मनाते हैं, तिलकुटा चौथ मनाते हैं, तिलकुटा चौथ मनाते हैं, तिलकुटा चौथ, ठीक है? तिलकुटा चौथ क्या होता है, यानी कि संकट को दूर करने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है? किस लिए, संकट को दूर करने के लिए, संकट दूर करने के लिए ये क्या मनाया जाता है, तिलकुटा चौथ मनाया जाता है। तिल के लड्डू बनते हैं तो खाओ और मजे करो, ठीक है? माघ कृष्ण चतुर्थी को तिलकुटा चौथ मनाते हैं। फिर आ जाओ, इसके बाद में आएगी आपके माघ कृष्ण एकादशी को, इस दिन षष्ठ तिला एकादशी मनाते हैं, ठीक है? क्या मनाते हैं, एकादशी, एकादशी को क्या मनाते हैं, षष्ठ, षष्ठ तिल एकादशी, ठीक है? क्या मनाते हैं, षष्ठ तिल एकादशी मनाते हैं। 6 प्रकार के तिलों का क्या किया जाता है, दान किया जाता है, 6 तिलों का दान। अब 6 तिलों का दान ही, 6 प्रकार के, ठीक है? 6 प्रकार के तिलों का क्या किया जाता है, दान किया जाता है। फिर आ जाओ एकादशी से बाद में आ जाओ अमावस्या। अमावस्या आपको पता है हमेशा कृष्ण पक्ष में आती है, और अमावस्या को क्या मनाते हैं, इसको मौनी अमावस्या के रूप में मनाते हैं, मौनी अमावस्या के रूप में मनाते हैं। माघ अमावस्या को क्या मनाते हैं, मौनी अमावस्या, यानी कि इस दिन क्या होता है, मौन व्रत किया जाता है, मौन व्रत बोलते नहीं है। तो इस दिन तो मजे हो जाते हैं, किसी ना किसी के तो होते ही होंगे जो ज़्यादा बोलती हो या बोलता हो, ठीक है? महिलाएं करती है, ज़्यादातर महिलाएं रखती है इसको। तो मौनी अमावस्या, मौन व्रत, बात समझ में आ गई, आ गई, बिल्कुल आएगी। अब आ जाओ शुक्ल पक्ष के, ठीक है? कृष्ण पक्ष कंप्लीट, माघ कृष्ण पक्ष कंप्लीट। तो अब हम पढ़ेंगे माघ शुक्ल पक्ष पढ़ेंगे, और शुक्ल पक्ष में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, चलिए देख लो, शुक्ल, माघ शुक्ल, एकम में दूज में कुछ है नहीं, तीज में भी नहीं है, पंचमी, पंचमी में आ रहा हूं। क्या मनाते हैं, बसंत पंचमी के रूप में मनाते हैं, बसंत पंचमी के रूप में, ठीक है? इस दिन क्या हुआ, सरस्वती माता का जन्म हुआ। क्या हुआ, सरस्वती माता का इस दिन जन्म हुआ था। क्या होता, सरस्वती माता का जन्म हुआ था। इस दिन आप लोगों को सबको पता है पीले वस्त्र पहनते हैं, क्या पहनते हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं, पहनते हैं। इस दिन क्या करते हैं,
पीले वस्त्र पहने जाते हैं। ये तो क्या हो गई माघ शुक्ल पंचमी की बात। अब आ जाओ माघ शुक्ल सप्तमी, इस दिन छींक माता का मेला लगता है जयपुर में। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ, सप्तमी की। माघ शुक्ल सप्तमी को छींक माता का मेला, छींक माता मेला कहाँ लगता है सबको पता है, जयपुर में लगता है। हाँ भाई साहब बिल्कुल जयपुर में लगता है। ठीक है, इसी दिन ब्राह्मणी मेला भी लगता है, सोरसन बारह में लगता है, बिल्कुल लगता है भाई साहब। ठीक है, ब्राह्मणी मेला कहाँ लगता है, सोरसन बारह में लगता है। हाँ भाई साहब लगता है साहब, बिल्कुल लगता है, ब्राह्मणी मेला सोरसन बारह में लगता है। इसमें क्या होता है ब्राह्मणी मेला में, इसमें पीठ की पूजा की जाती है, देवी की पीठ की पूजा की जाती है। ठीक है, किसकी, देवी की पीठ की पूजा की जाती है ब्राह्मणी मेले में। ठीक है, कहाँ लगता है, सोरसन बारह में लगता है। ठीक है, सोरसन बारह में लगता है। फिर आ जाओ सप्तमी के बाद में बचा कौन सा, पूर्णिमा। हाँ साहब बिल्कुल पूर्णिमा ही बचा है, तो पूर्णिमा को भी देख लेते हैं। माघ शुक्ल पंचमी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखो पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, पूर्णिमा आप लोगों को सबको पता है शुक्ल पक्ष में आता है, इसको बेणेश्वर धाम का मेला लगता है नवा टापरा डूंगरपुर। ठीक है साहब, बेणेश्वर धाम मेला कहाँ लगता है, नवा टापरा डूंगरपुर। क्या लगता है, बेणेश्वर धाम मेला लगता है। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड में लिख रहा हूँ तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा। तो बेणेश्वर धाम मेला कहाँ लगता है, नवा टापरा डूंगरपुर। इसी दिन मरु महोत्सव भी मनाते हैं जैसलमेर में। इसी दिन क्या मनाते हैं, मरु महोत्सव जैसलमेर कहाँ मनाते हैं, जैसलमेर मनाते हैं। बेणेश्वर धाम मेला कहाँ लगता है, नवा टापरा डूंगरपुर में लगता है। ठीक है, बेणेश्वर धाम मेला के अन्य नाम पूछे तो इसको कुंभ का मेला भी कहते हैं। ठीक है, और भीलों का मेला भी कहते हैं। बेणेश्वर धाम को क्या कहते हैं, कुंभ का उपनाम पूछे तो कुंभ का मेला भी कहते हैं, कुंभ का मेला भी कहते हैं और भीलों का मेला भी कहते हैं, भीलों का मेला भी कहते हैं। ये क्या हो गए, इसके उपनाम हो गए। किसके उपनाम हो गए, बेणेश्वर धाम के उपनाम हो गए। तो ये क्या हो गया, माघ माह कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में एक ही बचा है, कौन सा माह, फाल्गुन माह। ठीक है, कौन सा माह बचा है, फाल्गुन माह, तो इसको और देख लेते हैं। चलिए तो फिर देखते हैं, जरूर देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्या पढ़ेंगे, माघ हो गया, लास्ट में एक ही बचा है फाल्गुन, इसके बाद में मेले एवं त्यौहार का सुपड़ा साफ हो जाएगा। चलिए क्या बचा, फाल्गुन यानी फागण भादो जेठ आषाढ़ कंवर तेजा। ठीक है, जो भी, सबसे पहले एक पढ़ेंगे कृष्णा त्रयोदशी। क्या पढ़ेंगे, फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी। क्या पढ़ेंगे, फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी, इस दिन सबको पता है महाशिवरात्रि मनाते हैं। ठीक है, क्या मनाते हैं, महाशिवरात्रि मनाते हैं। महाशिवरात्रि का मेला भी लगता है एक फेमस, बिल्कुल लगता है साहब। कहाँ लगता है महाशिवरात्रि का मेला, कहाँ लगता है, करौली में लगता है। इस दिन क्या होता है, भगवान शिव का जन्म भी हुआ था। ठीक है, बिल्कुल साहब हुआ था, किसका, भगवान शिव का जन्म भी इस दिन हुआ था। हाँ जी साहब बिल्कुल हुआ था। और इस दिन क्या हुआ था, शिव एवं पार्वती का विवाह भी हुआ था। भगवान शिव माता पार्वती का क्या हुआ था, विवाह भी हुआ था, बिल्कुल हुआ था साहब। ठीक है, तो फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी को महाशिवरात्रि मनाते हैं, मेला करौली में लगता है महाशिवरात्रि का, भगवान शिव का इस दिन जन्म हुआ था, भगवान शिव एवं माता पार्वती का इसी दिन क्या हुआ था, विवाह भी हुआ था। कब हुआ था, फाल्गुन कृष्णा तृतीया को। बात समझ में आई, बिल्कुल आ गई। इसके पूछे तो इसके अलावा एकलिंगनाथ जी का मेला भी लगता है शायद उदयपुर में। ठीक है, वो भी ध्यान रख लेना, एक लिंग नाथ जी मेला।
ठीक है, अकेला है, अकेला है, उदयपुर में है, कहाँ अकेला कहाँ है, उदयपुर में। तो एक लिंग नाथ जी का मेला कहाँ लगता है, एक लिंग नाथ जी का मेला कहाँ लगता है, उदयपुर में लगता है, ठीक है, उदयपुर में लगता है, ठीक है, बात समझ में आई, आगे बिल्कुल आगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी कंप्लीट, बिल्कुल साफ कंप्लीट है। अब आ जाओ कृष्णा से डायरेक्ट किस में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे शुक्ल, शुक्ल पक्ष पढ़ेंगे, शुक्ल दूज में एक आता है फुलरिया दूज, ठीक है, फाल्गुन शुक्ल दूज, इस दिन क्या एक त्यौहार आता है फुलरिया, फुलरिया दूज क्या मनाते हैं, इस दिन फुलरिया दूज मनाते हैं, ठीक है, पूजा की जाती है इस दिन राधा कृष्ण की, बस ये ध्यान रख लेना, राधा कृष्ण की पूजा, राधा कृष्ण की पूजा, केवल मेले त्यौहार आप लोग ढंग से पढ़ लो, बाकी सारी चीज़ें याद करवाने की मेरी गारंटी है, इसमें ये थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, ठीक है, कहानी कुछ बना नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे त्यौहार है, एक एक पॉइंट में है, तो कहानी बनाना पॉसिबल नहीं है, बड़ी क्लास है, इसको ढंग से एक दो बार देख के पढ़ के कैसे भी करके रट लेना, रट लेना, रट लेना, बाकी सारी चीज़ें मैं याद कराऊंगा, ठीक है, बिल्कुल। शुक्ल दूज कंप्लीट हो गया, अब आ जाओ एकादशी में, ठीक है, एकादशी, शुक्ल एकादशी में, शुक्ल एकादशी में क्या होता है, बिल्कुल साहब क्या होता है, खाटू श्याम जी का मेला लगता है, खाटू श्याम जी का मेला, सबको पता है मेला कितना शानदार जानदार लगता है, बड़ा ही खतरनाक मेला लगता है, बहुत भीड़ होती है, कब लगती है, फाल्गुन शुक्ल एकादशी को खाटू श्याम जी का मेला लगता है। अब आ जाओ पूर्णिमा में, आ जाओ बिल्कुल साहब पूर्णिमा में आएंगे, पूर्णिमा में क्या आएगा, होलिका की शुरुआत हो जाती है, किसकी शुरुआत हो जाती है, होलिका की शुरुआत हो जाती है, किसकी शुरुआत हो जाती है, होलिका की शुरुआत हो जाती है, होलिका त्यौहार मनाया जाता है पूर्णिमा को, फाल्गुन शुक्ल फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका त्यौहार मनाया जाता है, बात समझ में, केवल लास्ट में पढ़ेंगे होली के प्रकार कौन कौन से, शानदार तरीके से बताऊंगा इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि होली बहुत सारे तरीकों से मनाई जाती है, हम पढ़ेंगे कौन कौन सी होली कहाँ कहाँ पर मनाई जाती है, स्थान पढ़ेंगे, होली का क्या नाम है, दोनों पढ़ेंगे, कहानी से याद कराऊंगा, ढंग से याद कराऊंगा, तो देखते रहो। चलिए क्या पढ़ेंगे, होली के प्रकार, क्या पढ़ेंगे, होली के प्रकार पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे, होली के प्रकार, क्या पढ़ेंगे, होली के प्रकार पढ़ेंगे, होली के प्रकार पढ़ेंगे, होली के प्रकार पढ़ेंगे, बिल्कुल। नंबर एक, पहले मैं बताऊंगा फिर मैं कहानी से याद कराऊंगा, पहले मैं ढंग से बता रहा हूं, नोट कर लेना, फिर कहानी से याद कराऊंगा, ठीक है। पत्थर, पत्थर मार होली, पत्थर मार होली कहां पर, पत्थर मार होली कहां पर, बाड़मेर में, ठीक है। दूसरा देखो, देवर भाभी होली कहाँ मनाई जाती है, देवर भाभी होली मनाई जाती है ब्यावर अजमेर में, ब्यावर अजमेर में, ठीक है। तीसरा देखो, टमाटर मार होली, टमाटर मार होली कहाँ मनाई जाती है, ये बांसवाड़ा में मनाई जाती है, कहाँ मनाई जाती है, बांसवाड़ा में मनाई जाती है, टमाटर मार होली कहाँ मनाई जाती है, बांसवाड़ा में मनाई जाती है, इसके बाद में आती है डेकची व बाल्टी मार होली, ये भी देखो, डेकची एवं बाल्टी मार होली कहाँ मनाते हैं, ये भाई साहब बीकानेर में मनाते हैं, कहाँ पर मनाते हैं, बीकानेर में मनाते हैं, डेकची व बाल्टी मार है, बाल्टी मार कहाँ मनाते हैं, बीकानेर में मनाते हैं। फिर देखो, राव जी की होली, राव जी की होली कहाँ मनाते हैं, राव जी की होली पूछे तो जोधपुर में मनाते हैं, कहाँ मनाते हैं, जोधपुर में मनाते हैं, ठीक है। राव जी की होली कहाँ मनाते हैं, जोधपुर में मनाते हैं। इसके अलावा लठमार होली है, कहाँ मनाते हैं, बिल्कुल देखो, लठमार, लठ मार होली, लठमार होली कहाँ मनाते हैं, लठमार होली बीकानेर में मनाते हैं, लठमार होली कहाँ मनाते हैं, बीकानेर में मनाते हैं, लठमार होली कहाँ मनाते हैं, बीकानेर में मनाते हैं लठमार होली। तो फिर इसके अलावा बाठा मार होली भी मनाते हैं, हाँ साहब मनाते हैं, बाठा मार, बाठा मार होली, तो बाठा मार होली आलो होली अहोर अहोर जालोर, बाठा मार होली कहाँ मनाते हैं, अहोर अहोर
जालोर, अहोर जालोर, ढंग से मैं कहानी से याद करवाने वाला हूँ। एक बार नोट करते रहिए मेरे साथ, ढंग से नोट करते रहो। शायद नीचे दिख नहीं रहा होगा तो सात तक ही रहने देते हैं फिर। ठीक है, सात कंप्लीट हो गया, इधर लिख देता हूँ, आठ नंबर की लिख देता हूँ। अंगारों की होली पूछे तो बिल्कुल ये देखो, अंगारों की होली, अंगारों की होली, अंगारों की होली कहाँ मनाते हैं? अंगारों की होली, अंगारों अंगारे तो होते हैं लाल, ठीक है, लाल सोट डोसा। देख लेता हूँ इधर दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा, तो लाल सोट डोसा तक दिख रहा होगा बिल्कुल साहब, अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, अंगारों की होली, लाल सोट डोसा। इसके अलावा पूछे तो फूलों की होली, गोविंद देव जी का मेला, ठीक है, फूलों फूलों की होली कहाँ मनाते हैं? गोविंद गोविंद देव जी मेला, गोविंद देव जी के मेल, गोविंद देव जी का मेला लगता है, ठीक है, कहाँ पर? जयपुर में। तो फूलों की होली गोविंद देव जी मेला ना करके जयपुर कर दो, गोविंद देव जी जयपुर, जयपुर गोविंद देव जी जयपुर। तो फूलों की होली गोविंद देव जी जयपुर, जयपुर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा है साहब, बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, याद हुआ कि नहीं हुआ? कोड़ा मार, कोड़ा मार, बिना किसी भय के कोड़ा मार, तो भिनाए, ठीक है। नंबर 10, कोड़ा, कोड़ा मार होली कहाँ मनाते हैं? भिनाए में, कहाँ मनाते हैं? भिनाए में, ठीक है, ढंग से याद कराऊंगा, टेंशन तो लेनी ही नहीं है, ठीक है। गोबर के कंडों की होली, तो गोबर के कंड, गोबर कहाँ मिलेगा? गली में मिलेगा, तो गलिया को डूंगरपुर में, ठीक है। 11 नंबर, गोबर के कंडों की होली, गोबर के कंडों की होली पूछे तो गलिया कोट डूंगरपुर, गलिया कोट डूंगरपुर में क्या मनाते हैं? गोबर के कंडों की होली। राड रमन की होली, तो राड रमन की पूछे तो राड रमन की होली कहाँ मनाते हैं? राड हो गई, कहाँ राड हो गई? डूंगर में राड हो गई, राड का मतलब लड़ाई होगी, तो राड रमन की होली डूंगरपुर, डूंगरपुर का एक क्षेत्र है भीलड़ा, ठीक है, डूंगरपुर का एक क्षेत्र है भीलड़ा, भीलेड़ा, तो यह ध्यान रखना। राड रमन की होली कहाँ मनाते हैं? डूंगर भीलवाड़ा। दूध दही की, दूध दही पीने वाला राज करता है, तो यह भी ध्यान रख लेना, दूध दूध दही की होली, दूध दही की होली रासमंद, दूध दही की होली रासमंद, दूध दही की होली रासमंद ना द्वारा, ये ध्यान रख लेना। नाहन मोस, आंगी बांगी भी पूछा जाता है, ठीक है, अंगारों की होली होगी, राव जी की होगी, ठीक है, और तो कौन सी बच गई? हाँ, एक और रह गई, 14 नंबर, कपड़ा कपड़ा फाड़ होली, कपड़ा फाड़, कपड़ा फाड़ा तो पुष्किया, पुष्कर पुष्कर अजमेर, ठीक है, पुष्कर, ये क्या हो गई? महत्वपूर्ण होलियाँ हो गई। एक और होली है आंगी बांगी गेर की होली, कनाना व लाठेटा बाड़मेर, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। 15 नंबर में आंगी व बांगी होली कहाँ पर? बाड़मेर में, ये ध्यान रख लेना। आंगी व बांगी होली कहाँ मनाते हैं? बाड़मेर में मनाते हैं, कनाना व लाठेटा क्षेत्र में, ठीक है, बताओ याद हुई कि नहीं? बस तो इतनी तो है, इतनी तो है, इतनी ही है बस, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, बस हो गई इतनी, बहुत है, कितनी हो गई? 15 हो गई। अब देखो इधर, अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? होली के प्रकार पढ़ रहे हैं, होली के प्रकार मैंने आपको लिखवा दिए हैं, एक बार इनको नोट करो, फिर मैं आपको ये सारी की सारी याद करवाने जा रहा हूँ, ठीक है, याद करवाने जा रहा हूं, नोट करो एक बार। चलो फटाफट इनको नोट कर लो एक बार, फिर मैं आपको याद करवाऊंगा, ठीक है। चलिए चलो करें शुरू, 12 के 12 ढंग से इनको नोट कर लो। तो फूलों की होली, कोड़ामार की होली, भिनाए भिनाए अजमेर, भिनाए अजमेर,
अब हम क्या कर रहे हैं, इन सबको याद कर रहे हैं। फटाफट देखो, होली के प्रकार पढ़ रहे हैं सॉरी, यानी किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी होली मनाई जाती है, होली के प्रकार पढ़ रहे हैं, कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी होली मनाई जाती है। नंबर एक पर आती है पत्थर मार होली बाड़मेर में। कैसे याद करोगे, पत्थर मारा, किसके मारा, बाड़े में कोई जानवर घुस गया, वैसे सबके बाड़ा होता है तो बाड़े में जानवर घुस गया तो पत्थर मारा, तो पत्थर मार होली बाड़मेर, पत्थर कहाँ मारा, बाड़े में। ठीक है, देवर भाभी होली कहाँ मनाते हैं, ब्यावर अजमेर में। कैसे याद करोगे, देवर भाभी, भाभी कब आएगी, जब ब्याह होगा यानी शादी होगी, आपकी शादी तो होगी नहीं क्योंकि कोई काम अच्छा किया नहीं, तुम तो क्या हो, बेरोजगार आदमी हो, तो शादी हुई नहीं, भैया की शादी हो गई, भैया की शादी हो गई तो आप देवर बन गए क्योंकि आपके भाभी आ गई, तो भाभी कब आई, जब ब्याह हो गया, तो ब्यावर अजमेर। ठीक है, नंबर तीसरा टमाटर मार होली। टमाटर मारोगे तो क्या होगा, गंदगी होगी, गंदगी होगी तो बांस आएगी, तो बांसवाड़ा। ठीक है, ढेकची व बाल्टी मार, ठीक है, डेकची व बाल्टी मारोगे तो सर फूट जाएगा, तो वो होली खेलने से कोई मज़ा नहीं आएगा, तो डेकची एवं बाल्टी मारे बिना ही होली खेलो, डेकची एवं बाल्टी मारे बिना ही होली खेलो तो बिकाने। ठीक है, राव जी, राव जोधा का नाम सुना होगा आपने, राव जोधा जोधपुर, राव जी की होली जोधपुर में मनाते हैं। ठीक है, लठ मार होली बीकानेर लिखा जाता है क्या मैंने, हाँ लठ मार होली कहाँ की है, लठ मार होली बीकानेर की, सॉरी लठ मार होली आपने बीकानेर नहीं आएगा, लठ मार होली करौली। ठीक है, लठ मार होली करौली, इसको देखो, इसको कैसे याद करोगे, लठ मार होली करौली, यानी कि लठ मारोगे तो क्या करौली, कुछ नहीं करौली, लठ मारोगे तो सर फूट जाएगा, कुछ नहीं करौली, लठ मार होली करौली में। बाठा मार ओहो बाठा मारेगा अहोर जालोर में। अब आ जाओ अंगारों की होली। अंगारे तो लाल होते हैं, अंगारे कैसे होते हैं, अरे अंगारे तो सबने देखे हैं, लाल होते हैं, लाल सोट डोसा। फूलों की होली, फूल तो कहाँ चढ़ाएंगे, मंदिर में चढ़ाएंगे, मंदिर किसका है, गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर में। ठीक है, फूलों की होली गोविंद देव जी जयपुर में। कोड़ा मार बिना किसी भय के कोड़ा मार, तो बिना भय के कोड़ा मारा, आज ही मर गया, बिना भय के तो भिनाए अजमेर में। गोबर के कंडों की होली, यानी गोबर के कंडे कहाँ मिलेंगे, जानवर तो गलियों में घूमते हैं गाय, ठीक है, गाय तो गलियों में घूमती है, तो वहीं क्या मिलेंगे, गोबर मिलेगा, और गोबर के कंडों की होली गलियाकोट, गलियों में गोबर मिलेगा, ठीक है, गलियाकोट डूंगरपुर में। राड रमन जी की होली, राड़ हो गई यानी राड़ का मतलब झगड़ा हो गया, कहाँ हो गया, डूंगर में झगड़ा हो गया, भीलड़ा क्षेत्र है डूंगरपुर का, वहाँ पर राड़ रमन की होली मनाते हैं। ठीक है, दूध दही खाने वाला राज करता है, तो राज संबंध में। कपड़ा फाड़ा, किस कोई व्यक्ति आपका कपड़ा फाड़ रहा है तो आप उसको पुश करोगे यानी धक्का दोगे, तो पुश कर रहे हो तो धक्का दोगे, तो पुश कर। आंगी बांगी बाड़मेर में याद हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल याद होगा, बिल्कुल सरल तरीके से याद करवाए, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाते हैं, बीच में ऐसे बोल दिया याद आ गया। तो क्या पढ़ रहे हैं, होली के प्रकार पढ़े हैं, अच्छे से पढ़े हैं, तरीके से पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, ढंग से याद कर लो, ढंग से रट लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, खेलते रहे, खिलाते रहे, शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री गणेश, राधे राधे। जाते जाते एक चीज़ और बोल देता हूँ, आपके त्यौहार कंप्लीट हो गए, मेले त्यौहार वाला टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दिया, लगभग एसआई लेवल का तो मैंने लगभग करवा दिया है। ठीक है, लगभग 3 क्लासें मैंने डाली है, इनको ढंग से पढ़ लेना एक बार, ढंग से नोट्स बना लेना, रट लेना, मैंने पूरी कोशिश की है याद करवाने की, तो इनको ढंग से तरीके से पढ़ो, कैसे भी करके पढ़ो, लेकिन पढ़ो, जरूर पढ़ो। इसके बाद में जो भी क्लासें आएगी वो सारी की सारी मैं कहानी से याद करवाऊंगा, बस थोड़ा सा समय लग सकता है क्लासें अपलोड करने में, लेकिन जो भी क्लास अपलोड होगी वो बिल्कुल कहानी से तरीके से याद करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। बस आप लोग क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और क्लास को शेयर करोगे और वीडियो को लाइक करोगे, और चैनल तो सब्सक्राइब करना ही है। ठीक है, पसंद आए तो कमेंट कर देना, किस टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए यह भी कमेंट कर देना, क्योंकि यह भी जरूरी है। और तो क्या है, रूटीन बना रहे हैं, रात को 8 बजे क्लास आपको जरूर मिलेगी। ठीक है,
रात को 8 बजे आपको क्लास जरूर मिलेगी, भले ही किसी टॉपिक की, लगभग राजस्थान के कला संस्कृति की तो 8 बजे मिल ही जाएगी, ठीक है। रेगुलर नहीं तो एक दिन छोड़ के मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। तो चैनल को सब्सक्राइब रखो, जरूर रखो, पढ़ो, पढ़ाते रहो, खेलते रहो, खिलाते रहो। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे। मजे करो, मजे करो, मजे करो। धन्यवाद।